आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से आज मैं आप सबके सामने एक और विषय लेकर, और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँ कि मन से धाम में वास कैसे करते हैं। कई लोगों की इच्छा रह जाती है कि हम धाम में वास करें, तो उसके लिए मानसिकता में धाम में कैसे वास किया जा सकता है वो मैंने बताया था, तो वो आज मैं कवर अप करूँगी। और साथ ही हमारा 27 डे ऑफ चैलेंज है, यानी कि 3 दिन रह गए हैं हमारे चैलेंज के, और उसके बाद हमारा चैलेंज संपूर्ण हो जाएगा और फिर हम जन्माष्टमी को खूब धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे इस बार। और हर बार ही करते हैं इस बार और, क्योंकि हर बार ये वक्त को यही लगता है कि इस बार और अच्छे से बनाऊँगा, इस बार और अच्छे से, है ना, क्योंकि प्रेम तो कभी पूरा होता ही नहीं है, जो पूरा हो जाए वो प्रेम नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं ठाकुर जी संबंधी जैसी वीडियोज़ उनके प्रेमा भक्ति से, उनसे प्रेम से, बिना फॉर्मेलिटी निभाए, आसान तरीके से, बिना किसी भय के, निर्भय होकर कैसे उनसे जुड़ें, उनसे प्रेम में हम प्रेम की डोर से बंध जाएं और उनके प्रेम में पड़ जाएं कि बिना किसी डर के, खौफ के, और वो हमारे अपने हो जाए, ये मैं अपने वीडियोस के थ्रू बताती रहती हूँ। समय समय पर आपके जो समस्याएं आती हैं उनको बताती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम विषय के बारे में बात करते हैं कि वृंदावन धाम में वास दो प्रकार का होता है। एक स्थूल शरीर से आप वहाँ चले गए रह रहे हैं, वो तो सभी को पता है, और जो कि जो सिर्फ यही पता है लोगों को कि यही धाम में वास करना होता है, लेकिन नहीं, दूसरा मानसिकता में रहना, मानसिकता से धाम में रहना, ये भी उससे बिल्कुल अलग नहीं है, उसको भी वैसा ही वास माना जाता है। कैसे? मानसिकता में रहना मतलब मानसिक रूप से ये मानना कि हम धाम में रह रहे हैं। आप इसकी प्रक्रिया मैं चलिए बता देती हूँ, बाकी की बात बाद में बताऊँगी। जैसे आप सुबह उठेंगे, आपको जब भी टाइम मिलता है, आप सोचिए कि आपका जो घर है ये, मैं तो इसी प्रकार से सोचती हूँ, मैं अपना जो करती हूँ वैसे जो बताया जाता है वो भी, पहले जो मैं करती हूँ वो बता देती हूँ। मैं उठती हूँ, मैं इमेजिन करती हूँ कि ये घर जो है मेरा ये वृंदावन में ही है। जब मैं गलियों में कहीं जाती हूँ किसी काम से या बाजार गई, तो वो मार्केट में मुझे ये लगता है कि ऐसा ही मार्केट वहाँ पे ऐसे ही है, मुझे लगता है कि वृंदावन में ही मैं घूम रही हूँ, वृंदावन का ही मार्केट है। किस मंदिर में जाती हूँ कि वृंदावन का ही मंदिर है। ये सब आप क्रियाएँ सोच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आप ऐसे ही रहेंगे। दूसरा ये है, जैसे आप मानसिकता में एक जगह बैठे, सुबह उठे आपने आँखें बंद कर ली और आपने सोचा, जैसे आप उठे, आपने स्नान आदि करके आपने गोवर्धन की परिक्रमा पे सबसे पहले गए, फिर आपने परिक्रमा करके फिर आप बिहारी जी के दर्शन करने गए, या राधा रमन लाल के, राधा वाला जिसने भी आपकी श्रद्धा, या तीनों में गए, मानसिकता कहीं भी जाओ, है ना, बिना किसी रिक्शा के फिर वहाँ गए, बिना किसी भीड़ भाड़ के, दर्शन भी आराम से हो, फिर उनके दर्शन करो, फिर कुछ देर दर्शन करो, राधा बिहारी जी को सोचो या राधा रमन जी को सोचो, वे सामने हैं, उनके उन्होंने ये पहना हुआ है, तसल्ली से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से करो, तसल्ली से करो, कोई ये नहीं कि मतलब भागा भागी करनी है, तसल्ली से करो। भगवान का एक एक मुकुट देखो, फिर उनके दांतावली देखो, नासिका देखो, पटका देखो, उनके पैरों में क्या घुंघरू बांधे हुए हैं, क्या है ये देखो, सब देखो, फूलों की माला कौन सी है ये देखो, ये सब तसली से एक एक दर्शन करो, मानसिकता में परिक्रमा करो, प्रणाम करो, कहीं किसी एक संत से रोज मिलो, आज किसी संत से मिले, आज किसी कहीं, ये सब आप इमेजिन कर सकते हैं। और जो पूरा दिन जो करते हैं, जैसे दिन में आप कहीं जा रहे हो, आप ये सोचो आप वृंदावन में ही रह रहे हो, ये है वो, ये आपको वास का, धाम में वास का ही फल देगा ये चीज़ आपको। और आप दोनों चीज़ कर सकते हो, दोनों की अलग अलग चीज़ है, एक तो आपको बैठ के करनी है और पूरे दिन आपको सिर्फ ये एक मानसिकता बनानी है कि आप इसमें कुछ करने वाला वैसे है नहीं कि कोई क्रिया है, सिर्फ ये मानसिक सोच बदलने वाली बात है जो मैं बता रही हूँ, ये कोई क्रिया नहीं है करने वाली, सिर्फ मन में सोचना है कि हमारा जो घर है ये वृंदावन में ही, ऐसे सोच लीजिए, है ना, तो सब मानसिकता का खेल है, है ना। तो मानते हो ये मन है ना, ये तो मन ही तो ले जाता है हमें कभी किसी होने में, कभी किसी होने में, और यही मन हमें भगवान के पास भी ले जा सकता है। तो यही है, ये आप वास कर सकते हो, इस तरीके से सोच सकते हो। और आप देखोगे कि ना ये भी चिंतन के अंदर ही आता है, जो मैं बताती हूँ ना आपको कि भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, ये भी ध्यान भगवान का कीजिए, चाहे उनके धाम का कीजिए, चाहे उनके नाम का चिंतन कीजिए, बात एक ही है। नाम का ध्यान मैंने बताया था कैसे होता है अपनी क्लासेस जो मेरी शुरू हुई थी उसमें, कि नाम का कैसे करना है, राधा नाम देखना है, रूप का भी मैंने आपको बताया था, शायद मैंने नहीं बताया, चलिए कोई बार नहीं बता दूंगी, धाम का मैंने आज बता रही हूँ कैसे करना है। तो बात एक ही है, चाहे आप जिसमें रुचि हो ना, मैं कहती हूँ उसको पकड़ लो, अगर आपका ध्यान में भगवान के रूप में अगर निष्ठा है तो उनका ध्यान कीजिए, तो अभी ध्यान ही है, किसी के धाम में रहने की इच्छा है तो इस तरीके का ध्यान करके मानसिकता में भगवान में वास
धाम में वास कीजिए, आपको उसी का वही फल मिलेगा जो धाम में मिलता है। और फिर पता है क्या होगा, आपका वो जो चिंतन जो है ना, जो मैं बताती हूँ, वो सत्य होने लगे। कई बार ऐसा होगा, आपने ध्यान में आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं, राधा रमन के या किसी के, राधा वल्लभ लाल के, तो आपने ध्यान में जस्ट इमेजिन करा, हम तो उसको इमेजिनेशन ही कहेंगे ना, देखिए आप अपने एक कल्पना हम बनाते हैं कि मान लीजिए भगवान ने हरे वस्त्र पहन रखे हैं ना, आप देख रहे हैं ध्यान में और ऐसी पाजेब है, फिर आपने कहीं से किस आज तो इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है कि आप रोज़ के दर्शन कर सकते हो भगवान के, राधा रमन के, जो बड़े बड़े मंदिर हैं सबके ऑनलाइन दर्शन आप कर सकते हो, और आपने देखा ऑनलाइन कि उन्होंने सेम वही वस्त्र पहन रखे हैं जो आपने ध्यान में देखा था पहले, तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। तो ये भगवान प्रूफ करते हैं कि तो जो चिंतन कर रहा है वो कोई गलत नहीं है, वो झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य है, सत्य है, सत्य है, वो झूठ नहीं है, ना ही वो कोई कल्पना है, ना कोई कोर कल्पना है, ना कोई इमेजिनेशन है, तो ये कोई कल्पना नहीं है। भगवान भी धीरे धीरे आपको ये साबित प्रूफ करने लगेंगे, लेकिन आप प्रूफ मांगोगे तो नहीं देंगे, अब कहने लगो मुझे प्रूफ करो, मैंने मैंने ये देखा है, अब आप भी ऐसे ही पहनना, और आप खोल के देख रहे हो पहनना कि नहीं, ऐसे नहीं, आजमाने वाली चीज़ नहीं है। तो आप भगवान ये नहीं कि आप ये देखने लगे और कि कब सच होगा, कब रोज़ देखते हैं आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, अपने उसमें इतना विश्वास और संतुष्ट रहो कि आपको ये देखने की ज़रूरत भी ना पड़े कि ये सच है नहीं, या सच में भगवान ने कि मैं देखूँ देखो मैं सत्य हूँ, नहीं, उस पर ही इतना भरोसा रखो और उसे ही सत्य मानो, तब ये सब वो सत्य में, जब आप सब कुछ ना कहानी विश्वास की, भगवान ने हमारे अंदर पावर दी है कि जिस चीज़ पर हम 100% विश्वास कर लेंगे, 0.1% की भी कमी नहीं होगी, वो सत्य हो जाएगी। अगर आप 0.1% भी कमी रखेंगे तो वो सच नहीं होगी, तो आपको उसमें ही पूरा विश्वास करना है, फिर देखिए आपके साथ क्या क्या घटित होता है ना। तो ये सब चिंतन का ही खेल है, आप चिंतन किसी प्रकार का कर सकते हो, चाहे नाम का करें, चाहे रूप का करें, चाहे धाम का करें, तो ये धाम के चिंतन में आता है, मानसिक रूप से धाम में रहना। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है इससे चिंतन से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं चलती हूँ, और अब मुझे आगे दीजिए, वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों में, और लाइक कीजिए, और मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।